इतनी जोर से ना बोलो, माता रानी ने सुन जाएगा और फेरा लाग जाएगा कि आज वजीरपुर में जगाता है तेरे नाम का। ये जागरण चोरी से करवा रहे हो क्या, सरेआम करवा रहे हो? फिर आवाज कहां नहीं जा करेगी तो दोबारा ओके, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर उठाइए। ए रोशनी था बेटी, हरवाना नहीं है, जोर से बोलो आप लगे ना जयकारा, इस प्रकार से जयकारा लगाया करो भाई। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गो, मेरी हम पर के नौजवान साथियों, आए हुए तमाम कलाकार बंधु साथियों, गंगा के समान पवित्र बैठी मेरी माताओं बहनों, समाज सेवी नेतागण लोग, पत्रकार छायाकार भाइयों, गंगा के समान पवित्र बैठी मेरी माताओं बहनों, और लाउड स्पीकर के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है वजीरपुर में, दिल्ली में, सबसे पहले आपके अपने चहेते गायक फौजी करमवीर की तरफ से सभी भक्ता ने हाथ जोड़ के मेरी मीठी मीठी राम राम रा ले लो। एक मिनट साइलेंट प्लीज, मतलब हर बात में क्या क्या करवाऊंगा तुम्हारे से, आसने की बात नहीं है, थारा खोट को नहीं, और राम राम का नाम भी लोगों के मुंह में बड़ी मुश्किल निकला आजकल इस कलयुग के जमाने में, बंदे के दिमाग में टेंशन इतनी बढ़ गई, किसी ने छेड़ दिया खाने ना आवे, किसी ने प्यार से भी बोलोगे राम राम उल्टा जवाब मिलेगा क्या गंगा नहा के आया है, ये बोलेंगे। जबकि कितनी अच्छी बात है, दो बार मेरे मुंह से राम राम निकले, दो बार आप लोगों के मुंह से राम राम निकले। तो भगत जनो, मैं शुक्र गुजार हूँ परम पिता परमात्मा का, माँ सरस्वती का, जिसने मेरे को लिखने का मैं गाने का गुरु दिया। उसके बाद मैं शुक्र गुजार हूँ माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों का, समस्त वजीरपुर वासियों का, जिन्होंने मेरे को आज इस मंच के काबिल समझा, माता रानी का गुणगान करने के काबिल इस विशाल जागरण के अंदर मेरे को समझा। उसके बाद मैं आए हुए तमाम श्रोताओं का शुक्र गुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे एक एक गीत, एक एक भजन, एक एक रागिणी को अपनी माँ से भी ज्यादा बद के प्यार दिया, जिसकी बदौलत 10-15 साल से मैं इस लाइन में, इस मेज पे यहाँ पर कायम हूँ। और वो कहते हैं कि भगत जनों, जिस देश का डिसिप्लिन होता है उस देश का झंडा हमेशा सबसे ऊंचे रहता है। तो अनुशासन हर जगह जरूरी है। जो जिस भाई को धार कर सीट मिलती है ना, बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट है, तो वहां पर बैठ जाओ। जो ये बीच में गैलरी बना रखी है, एक साइड महिलाएं, एक साइड जेंट्स हैं, भाई अगर आप लोग बैठ जाओगे तो आप लोगों को मैं दिखाई नहीं दूंगा,
एक बार बैठ के देखो, ट्राई करो एक बार, मैं दिखता हूँ प्लीज भाई। जितने भगत खड़े हैं ना, इनसे मेरी हाथ जोड़ के प्लीज बाय रिक्वेस्ट नम्र निवेदन है ना, ओ, 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 इसको रोक नीचे कर ले। अरे भाई मिस्टर नटवर लाल साहब में देखो यार, कमाल है आज, दुनिया मानती है सर आपकी दिखाने से। भाई मेरी बात सुनो, हाँ देख इशारा, अरे यार समझदार के लिए तो इशारा इशारा ही काफी है, इशारे से बैठ गया तू लठ दिखा रहे इनको। भाई प्यार से बैठ जाओ, अभी फिर दूसरे तरीके से बिठाऊंगा, हरियाणवी बोली में फिर कैसे बिठाते हैं पता है। सारे के सारे बैठ जाओ पीछे, हो पीड़ी मुसन आए तक की सुन के बैठा था, इतनी तो बैठा वो तेरे पीछे, वो देख ऊपर ने देखा वो सब पता लगा। हाँ अब दिखाई दे रहा हूं ना, मैं दिख रहा हूं सभी को, तो बस फिर अनुशासन डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब इनकी तो मजबूरी है, पीछे तो बैठ नहीं सकते, तो दिखाई देगा जो बाहर खड़े और जो अंदर है ये तो बैठ सकते, इसी प्रकार से बैठे रहना। हाइट बहुत है हमारी स्टेज की, हम आपको नजर आएंगे ऐसे ही, ठीक है। अब शो बंद करो, ठीक है। एसवीटी प्लीज साइलेंट बेटा, अब नडियो समझो, इतने पैसे देकर के कलाकार छांट के पूरे भारत में से छांट छांट के कलाकार बुलाए हैं, इतना खर्चा किया कमेटी ने, तुम बेटा सुनोगे तो फायदा क्या यहाँ हमारा आने का रात काली करने का। तो जब तक मेरा हाथ में फुकड़ी सी है भाई, कोई आपस में बात ना करियो, साइलेंट होकर सुनना कि हम गा क्या रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सभी बारी बारी से आ रहे हैं, माता रानी का गुणगान कर रहे हैं। अभी गाने वाला मैं एक हूँ, सुनने वाले आप हजारों यहाँ बैठे हैं, सभी का अपना अपना अंदाज हो है। यदि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो दस भक्तों को अच्छी लगे, दो भक्तों ने अच्छी ना लगे, तो मुझे अपना बेटा भाई साथी अभी कुछ भी समझ के माफ कर देना, क्योंकि भगत जी ने माफ कर देने वाला सबसे बड़ा महान व्यक्ति माना गया है इस धरती के ऊपर, इंसान गलतियों का पुतला। तो सबसे पहले एक मीठी मीठी वंदना कि हम यहाँ पर बैठे हैं माता रानी के दरबार में, ये नहीं पता हम किस धर्म के हैं किस जाति के हैं, लेकिन प्यार देखो आपस में कैसा बना हुआ है। माता रानी का जयकारा सभी मिलके बोलते हैं जय हो, और सभी सोचते हैं कितनी अच्छी जगह बैठे हैं, अच्छे अच्छे काम करेंगे, बड़े काम नहीं करने चाहिए, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर हम लोग धर्म के नाम से जाति के नाम से बट जाते हैं, आपस में एक दूसरे को मारने को उतावड़े हो जाते हैं, जो बहुत गलत है। भगत जनों भगवान ने एक ही जाति बनाई है, इंसान जाति सबको मिलकर प्यार से रहना चाहिए, इसी थीम के ऊपर ये फर्स्ट मीठी मीठी वंदना लेके चलता हूँ। उसके बाद फिर माता रानी के दरबार में गीते भगने के जो है भजन वो चलेंगे। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर कौन है भाई, आप ऑर्गेनाइजर? भगत जनों किस प्रकार से बहुत ही प्यारा भजन है, कुछ गीत होते हैं नाचने कूदने के, कुछ होते हैं सुनने के, ये सुनने का भजन है कैसे। और धर्म चाल में जिंदगी खोवे मुझे पता है ना, अपना तालमेल फिर भी मिलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मास्टर जी है, ये म्यूजिशियंस है, सुंदर ताल का संगम होगा, यानी कि मेरा अकेले से कुछ नहीं होगा, एक दो तीन चार पांच छह सातवां साउंड ऑपरेटर आठवां में, आठ नौ बंदों का सुर और ताल मिलेगा तब बनता है गाना। और गाना का नाम ही है गाना, गाना खुद बोलता है गाना, गा तो सुर में का वरना गाना, ठीक है जी, किसी का सुर दिखाइए। हाँ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ठीक है ना। हाँ गुरु मास्टर ऑलवेज बी हैप्पी, खुश रहो, बहुत दूर से आए उनको खुश करने के लिए, मैं इनको कम खुश करता, म्यूजिशियनों को ज्यादा खुश करता, ठीक है। हाँ बदिरे करण से धर्म, बदी मतलब बुरे काम,
मैया का नाम है सुमर ले। और धर्म जाल में जिंदगी खोवे ऐसे
जयकारा बोल ले करो, एक बार जयकारा बोलकर पहला छठवा ले करो, अने दोबारा फिर बोलो अपना जोर से नहीं बोलोगे तो। ये थी माता रानी के दरबार में मीठी मीठी वंदना। और अभी माता रानी का मेला आ चुका है, एक गोरी अपने बाल में नहीं हूँ बोली के पिया जी, माता रानी का बहुत जोर का मेला भरा हुआ है, सारे गांव की लुगाई छोरी वहां जावे, मेरा भी जाने का दिल करे तू मेरे को लेके चल। और अपने बालक को मनाती हुई बड़े प्यार से वो गोरी बड़े प्यारे अंदाज में माता रानी के मेले में ले जाने की जिद करती हुई ये बोली, हम मेला मैया का दिखा दे हो, हम मेला मैया का दिखा दे हो, नंदी के पीरा। यह नंदी का पीरा नाम आते ही कईयों के चेहरे पे रौनक आ गई, क्योंकि यह नंदी का पीरा एक ऐसा शब्द है जो देहात से ताल्लुकात रखने वाले या गांव से आके यहाँ बसे हुए हैं ना, यूपी हरियाणा राजस्थान से, उनको पता है कि नंदी का पीरा क्या है, क्योंकि ये पुरानी खुंडी है ना जो हमारी माँ की उम्र की, ताई की, दादी की उम्र की, वो कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती। शहर में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, गाँव के रिवाज बता रहा हूँ, पूछ के देख लो अपनी दादी को, दादी मेरे दादे का नाम बताइए भाई, भाई बता ना बात करे नाम को नहीं दे रहे शर्मा में, ये कायदे कान रीति रिवाज आज भी कायम है। फिर वो क्या बोलती है, कौन के मेरी नंदी का पीरा, यानी कि मेरी नंद का भाई वही हो गया, पति हो गया, कोई स्त्री कैसे, उस टाइम का बना हुआ शब्द है, बिल्कुल थोक धुन है, बड़ी अच्छी लगेगी, कैसे क्या बताते हो गोरी अपने बालक को।
Thank you.
माता की। एक बार जोरदार ताली बच्चों के नाम से बजा दो जो इतना साथ दे रहे थे। देखो माता रानी के दरबार में क्या बात है, पल्ले पल्ले हो गई, हो जाएगी पल्ले पल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले, ठीक है ना जी। बहुत अच्छा मुराल है बेटे, डीजे पे भी तो नाचते हो, माता रानी के दरबार में आनंद आ गया, मौज कर दी बेटे, क्या बात है। शेरावाली माता की आप लाओ कमाल की बात है, रौनक मन लगी हुई है। एक भजन की डिमांड करके गया भाई अभी मेरे पास में के बोलने बेटे आपको, अब पता क्या, मैं भोला बनूंगा तो गोरा बने, ठीक है ना। तो भाई देखो कलाकार का, कलाकार को जिस रूप में देखोगे कलाकार वैसे ही नजर आएगा। अब मैंने इस बिटिया को बोल दिया कि बेटा यहाँ रहना है, एक झांकी भी तो आती है उसमें भी तो बनते हैं कलाकार। अब ये समझ लेना कि मैं तो घोड़ा हूं, ठीक है बेटा, क्या नाम है तेरा। तनवी को समझ लेना कि तनवी गोरा है, ये ना समझो कि फौजी कर्म मेरा ये तनवी है ना, मैं घोड़ा हूं ये गोरा है। और देखना फिर कैसे। हाँ गोरा ने सोचा क्या बात है, पतला तो बेटा तेरा मुंह दिखता गोरा। गोरा ने सोचा घोड़ा यू तो भांग पीने छोटे नहीं, और मैं भी भांग पीने का ड्रामा करूंगी, भांग तो पीऊंगी नहीं पर भांग पीने का ड्रामा करूंगी करूंगी। और घोड़ा सोच रही है क्या हो गया, तूने भांग क्यों पी, मैं बोलूंगी तू क्यों पीता है, घर उजड़ता नजर आएगा अपना आप छोड़ेगा। एक स्कीम लगाई, एक तरीका लगाया घोड़ा ने, और इसी थीम के ऊपर मैंने भजन गाया। इंडिया में पहले नंबर पे आपने जिस भजन को प्यार दिया, तो हर झांकी में बजता है, हर बार कावड़ में बजता है, वही भजन आप लोगों के बीच में मैं गा रहा हूं। कैसे मेरी बात सुन बेटे, एक बात बताऊं, अगर इंटरेस्टेड हो ना तो सीडी में रोल करने के, गाने में रोल करने की, तो मेरी मम्मी पापा से पूछ लियो, ठीक है बेटे, और मेरे से संपर्क कर लियो, मैं मेरी फिल्म में मेरे गाने में रोल करूंगा। क्योंकि भाई देखो जो रूप होता है ना ये गॉड गिफ्ट होता है, मॉडल ऐसे नहीं बोला जाता, मतलब एक सुंदरता बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब। ये लाखों करोड़ों में भी नीति गुड़िया के नाम से एक बार जोरदार ताली बजा दो। नहीं जी बेटा ऐसा नहीं, पाप मत लाओ। हिंदुस्तान में भारतीय सभ्यता के अनुसार नारी जाति की तो पूजा होती है बेटा, पैरों के हाथ मत लगाओ, पाप मत लगाओ। हाँ ठीक है बेटे, इस प्रकार से हाँ खड़ी खड़ी तू हल सूती चल, गोरा खड़ी खड़ी तो हल, चल कसूती चल, खड़ी खड़ी तो हल, चल कसूती चल, 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 खड़ी खड़ी तो हल, गोरा चल कसूती चल, खड़ी खड़ी तो हल, चल कसूती चल। Thank you.
सच्ची रे ये ठीक नहीं है अच्छी थोड़ा बात कहूंगा सच्ची रे ये ठीक नहीं है अच्छी अरे ठीक नहीं है अच्छी अभी अच्छी नहीं है अच्छी ठीक नहीं है अच्छी अभी अच्छी नहीं है अच्छी रे बात कहूं मैं सच्ची टेंशन छोड़ के जानी है माता रानी के दरबार में यहां से टेंशन मुक्त होके जाना है भगत जनों
क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आप लोग भी नोट कर लेना, 84 लाख जिया जून के बाद में ये इंसान की जुनी मिलती है। एक इंसान की जुनी है, भगवान ने जिसको हंसने की कला दे रखी है, लेकिन इसका यूज नहीं करता इंसान, हंसता नहीं है। एक इंसान को ये कला है, क्योंकि टेंशन इतनी बढ़ गई, हंसी आ रहा है कौन ही। आज मैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम मानता हूं लोगों के पेट में से हंसी निकालना, क्योंकि अगर बराबर वाला हंसेगा ना उसको भी नहीं हंसने देते, साइड वाला हंसेगा कौन ही मारेगा, कमाल हो गया बेचारे का, इसका हंसने का किस बात की टेंशन पाए रखी है आपने, ये बताओ। 84 लाख जिया जून में एक इंसान को छोड़ के, ये बताओ मैंने कौन सी जुनी है, जीव जंतु पशु पखेरु जो पैसे कमाते हैं, एक भी जुनी है जो पैसे कमा रहा है, एक भी जुनी नहीं ना। और ये बता दो कोई भी जुनी में से कोई भी जीव जंतु रात को भूखा सोता है, सबका पेट भरता है ना परमात्मा, सारी जिया जून है एक भी पैसा नहीं कमाती, रात को पेट भर के सोती है। एक इंसान है जो सारी जिंदगी पैसा कमाता है, सारी जिंदगी इसका पेट नहीं भरता। सोच के देखो इस बात को, सबर, सबर एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सबर किसी का है ही कोई नहीं। सबर मुंह से भी बोलोगे तो बड़ा आनंद आता है, अगर करके देखोगे तो बहुत ज्यादा आनंद आता है, लेकिन सबर है ही नहीं। मेरे सबर को नहीं, आज वजीरपुर कल चंडीगढ़ जाऊंगा, परसों हनुमानगढ़ जाऊंगा, मैं भी भाग्या फिर किसी का ही सबर नहीं, तुमने क्या कह दो। लेकिन आजकल दुनिया में तरक्की करनी पड़ेगी, घूमना फिरना पड़ेगा, भी पीछे रह जाऊंगी। चलो माता रानी के दरबार में है, बहुत बढ़िया बताने का मेरा फर्ज है कि टेंशन मुक्त रह करो, हंसते रह करो। अभी एक भजन आप लोगों के बीच में किस प्रकार से खोल रहे इसकी टेंशन, बहुत बढ़िया। चलो जी ठीक है, ओके, आल लेकिन भी हैप्पी, खुश रहो। हाँ हाँ ठीक रहेगा क्या, ओके Yeah.
Oh,
करो मैया रानी का भी भजन करो इतने दिन हो गए थकावट इतनी हो रही थी डेली प्रोग्राम चल रहे हैं लेकिन यहाँ के सारी थकावट खत्म मेरा बेटे ने इतना सुंदर नृत्य किया के नाम था इसका एक छोरी नाम के बेटी तेरा हाँ तन्वी इतना सुंदर नृत्य किया बेटा मैया के दरबार में सारी थकावट दूर होगी हमारी बहुत प्यारा बेटा कोई बात नहीं तुम्हारी तो बेटा एज है ना भी तुम्हारी थकावट दूर पाओगे तुम तो कितना मर्जी जब तुम्हारी एज में हम थे कमांडो कोर्स करता था उस टाइम पर मैं तो समय समय की बात होती है बेटा वेरी गुड बहुत बढ़िया चलो भाई हर कलाकार का समय सीमित है और भाई साहब ने मेरे को इशारा कर दिया कि फौजी साहब योर सिंगिंग टाइम इज फिनिश्ड यू कैन गो कोषाध्यक्ष कहाँ है पर्शियन वेरी गुड भाई सारे म्यूजिशियन भी खुश हैं एक बार जोरदार ताड़ी बजाओ इन म्यूजिशियनों के नाम से क्योंकि इतना पत्थर गाया ना मैंने इनकी बदौलत गाया एक बंदा भी गड़बड़ कर जाए कलाकार की क्या हिम्मत कलाकार हिट हो जाए मेन होता इतना ही होता है इतनी बढ़िया बजट जी हो जी हाँ क्या बात है मास्टर जी बहुत बढ़िया आनंद आ गया मेरे को अरे भाई नंबर ले लिए इनका बहुत अच्छा बजाते हैं और विशेष तौर पर डोली का जरूर ले लिए और भाई सबसे ज्यादा धन्यवादी हूँ मैं मैनेजमेंट कमेटी जो माता रानी के भक्त है मैं तो हैरान हो गया वहाँ खड़ा खड़ा मेरी टीम के बंदे भी यही बात कर रहे थे कि फौजी साहब कितना बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट है कितना बढ़िया यहाँ पर दरबार है कितना बढ़िया यहाँ पर साउंड है कितने अच्छे कलाकार हैं कितने अच्छे नेता हैं तो भगत तो और भी अच्छे होंगे और श्रोता तो उससे भी अच्छे हैं एक बार जोरदार ताली पूरी कमेटी के नाम से माता रानी के भक्तों के नाम से और भगत जनों मैया रानी का अगर आदेश हुआ तो एक बार पहले भी मैं यहाँ पर आया था आगे फिर अपनी जो है शायद हाजिरी यहाँ पर लग जाए माता रानी की कृपा हुई आशीर्वाद हुआ तो हो सकता है अगली बार फिर हम लोग रूबरू आपस में होंगे और आप लोगों का प्यार और सहयोग यूं ही मिलता रहा तो मैं और मेरे गीत आप लोगों से हमेशा यूं ही जुड़े रहेंगे और ये मेरा कैमरा चला हुआ है मेरा चैनल है करमवीर फौजी ऑफिशियल उसके ऊपर बेटा तब ये भी आएंगे ये अपना प्रोग्राम उसके ऊपर आगे देख लियो मेरे नाम से सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा ये पूरा प्रोग्राम डाल दूंगा ठीक है जी Thank you.